दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो आप इस वीडियो में सीख पाएंगे कि कैसे हम विंडो 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना होगा, तभी आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो यह प्रॉब्लम कब आती है, थोड़ा हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जब आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं, मतलब कि आप विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद एक दो घंटे बाद या फिर दो चार दिन के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो होकर आता है विंडो एक्टिवेट का, और यहाँ पे भी एक आपको सिंबल मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो आपको इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई वॉलपेपर सेट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे जो डिस्प्ले पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे लिखा रहता है यू नीड टू एक्टिवेट विंडो, और ये पहचान होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है सिंबल, आप इसको भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जब आप इसे ऐड करने जाते हैं तो पहले ही बताता है कि आप सबसे पहले अपने विंडो को एक्टिवेट करिए, उसके बाद यहाँ पे आप जो ये आइकन्स होते हैं उसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब जो कंप्यूटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है आइकन्स, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिस पीसी का आइकन नहीं है, कंट्रोल पैनल का आइकन नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे दिस पीसी का आइकन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि आपका जो विंडो है वो भी एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो इज़ नॉट एक्टिवेट। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है बहुत सिंपल है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, विंडो एक्टिवेट विंडो। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विंडो 10 एक्टिवेशन बैच फाइल गिटहब, बिल्कुल यही टाइप आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में करना है, उसके बाद सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका जो पहली वाली लिंक दिखाई देगा गिटहब की, यहाँ पे गिटहब आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे विंडो 10 एक्टिवेशन बैच फाइल गिटहब, यहाँ पे गिटहब आपको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यही जो वेबसाइट है आपको यहीं पर आना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जैसे कि ये थोड़ा सा मेरा जो नेट है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आया है, मतलब यहाँ पे जो इसका इंटरफेस इस तरह से। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कि यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे इसे पूरा कॉपी करना है, मतलब यहाँ पे जो @eco है यहाँ से क्या करना है, लाइन नंबर 2 से हमें इसको यहाँ से क्या करना है, पूरी तरह से कॉपी कर लेना है। कोई भी एक वर्ड भी मिस, मतलब कि मिस ना हो, सबको हमें कॉपी करना है। सही से कॉपी नहीं हो पाया, तो हम यहाँ पे इसको सही से कॉपी करते हैं। तो ये मेरा पूरी तरह से कॉपी हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 00 है यहाँ तक मैं पूरी कॉपी कर लिया हूँ। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, कॉपी मेरा हो गया है। ठीक है, अब मैं नोट पैड को ओपन करूँगा, इससे मैं थोड़ा बैक करता हूँ, मतलब इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मैं विंडो R प्रेस करूँगा और मैं लिखूँगा नोट पैड। ठीक है, उसके बाद मैं इसे ओके पे क्लिक करके नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल B करूँगा, मतलब वो जो फाइल थी जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था स्क्रिप्ट को, कॉपी करने के बाद आपको नोट पैड में कॉपी कर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल B करूँगा और मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस फाइल को सेव करना है। इस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S पे हम क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेव करने का ऑप्शन देता है। अब देखिए, यहाँ पे जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पे उसका नाम पूछता है कि भाई इस फाइल का नाम क्या रखें। तो इस फाइल का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना ही नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अंकित दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम अंकित, तो मैं अंकित दे रहा हूँ। यहाँ पे अंकित लिखने के बाद यहाँ पे डॉट लिखना है और यहाँ पे BAT लगाना है, BAT। ठीक है, बैच मतलब बैट का मतलब होता है बैच फाइल। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, मतलब नाम तो आप फाइल का दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन डॉट बैट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद मैं सेव कहाँ करूँगा, चलो मैं यहाँ पे इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। देखो यहाँ पे अगर आप बैट नहीं लगाएंगे तो ये कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे डॉट नहीं लग पाया है, बगल में जो वो सेमी कॉलन वो लग गया है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसे सेव करता हूँ, मतलब सेव एज पे क्लिक करता हूँ और फिर से मैं इसे कुछ भी नाम देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अंकित 2 डाल देता हूँ। ठीक है, अंकित 2। उसके बाद डार्ट लगाना है आपको, सेमी कॉलन नहीं लगाना। यहाँ पे डार्ट मैंने, अब की डार्ट मैंने लगाया। डार्ट लगाने के बाद BAT, ठीक है, बैट लगाना है आपको। और यहाँ पे जाना है डेस्कटॉप के ऑप्शन पे, मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा इसको। डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। ओ सेव। अब देखिए यहाँ पे जो मेरी फाइल अब की बार बन के आई है वो करेक्ट है, क्योंकि मैंने डॉट बैट लगाया है। पहले डॉट बैट नहीं लगा था, यहाँ पे सेमी कॉलन लग गया था। तो अब मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में नेट का स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितना जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो मैं फिर भी करता हूँ, तभी हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब इसके ऊपर आपको राइट करना, सॉरी राइट क्लिक करना है। अब इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एस का ऑप्शन आता है, हमें एस पे क्लिक करना है और ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है। इसे कुछ समय की ज़रूरत है, तो हम इसको समय कुछ दे रहे हैं ताकि जो हमारा विंडो है वो एक्टिवेट हो जाए। अब ये विंडो एक्टिवेट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद ही कर देगा सब कुछ। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वर फेल्ड हो रहा है, आपको इसको देखकर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सही कर लेगा खुद को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विंडो एक्टिवेटेड सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे आपको दे रहा है रिस्टार्ट योर PC। अगर आप एस कर देंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें रिस्टार्ट नहीं करना है, हमें पहले चेक कर लेना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। या फिर आप रिस्टार्ट, अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब कि यहाँ पे मैं पहले इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, अब मैं देख लेता हूँ कि जो मेरा विंडोज़ है वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं पर्सनल पर क्लिक किया, अच्छा चलिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने PC को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो इज़ नॉट एक्टिवेट, मतलब यहाँ पे भी अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका PC है वो आपको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करी दे रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने क्या किया, विंडो को एक्टिवेट किया और मुझसे पूछा गया कि आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाहते हैं और मैंने यस किया, तभी मेरा विंडो एक्टिवेट हो पाया है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ रिस्टार्ट होने के बाद जो मेरा सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं पर्सनलाइज पे जाता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी पिक मैं जो सेव कर सकता हूँ, वॉलपेपर मैं कोई भी सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम आ रही थी नीड वाली, मतलब कि विंडो एक्टिवेट की नीड वाली, तो अब वो नहीं आ रहा है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमको प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि विंडो एक्टिवेट की, जैसे कि यहाँ पे दिस PC पे मैंने राइट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पे मैं जैसे जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखूँगा अब जो मेरा विंडो है वो एक्टिवेट हो गया है, मतलब विंडो इज़ एक्टिवेटेड। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जो डेस्कटॉप आइकन था उसे भी लाने के लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे सॉरी पर्सनलाइज पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे लॉक स्क्रीन पे, शायद यहाँ यहीं पे कहीं पे होगा वो। तो यहाँ पे आएंगे, थीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी नहीं मिला। यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी आइकन्स हैं यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। अगर एक्टिवेट नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से हम विंडो को एक्टिवेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखना है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।